सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने फिल्म देखी कैसी लगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? जादू आया थी मतलब निशब्द हूँ, परफॉर्मेंस लेवल, कहानी लेवल पे, मतलब बहुत सिंपल सी बात बताऊँ तो बहुत बार अपने आप को फिल्म में रोकने की कोशिश कर रहा था रोने से, क्योंकि रोने लगता तो सिनेमा पूरा नहीं देख पाता। इसलिए एज एन एक्टर बहुत सारे रीजंस दे रहा था खुद को रोने से रोकने के लिए कि फिल्म है, वो अवधेश मिश्रा है, वो बच्चे को मैं जानता हूँ, डायरेक्टर को जानता हूँ, कैमरा है, लाइट है, ये सब जो टेक्निकल चीज़ें अपने दिमाग में डाल रहा था कि मैं इमोशन थोड़ा सा डिटैच हो जाऊँ, मैंने तो बहुत बुरी तरह रोने वाला था, तो वो चीज़ बहुत मतलब अद्भुत रुला देता है। इससे मुझे लगता है इस तरह की कहानी पे पहली बार फिल्म ऐसी बनी है भोजपुरी में, बहुत मतलब बहुत कमाल पिक्चर बनी है, सच में बहुत कमाल है और जितनी तारीफ की जाए इस पिक्चर की कम है। अवधेश जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कमाल कहानी, मधुवेंद्र जी जो मधु जी का जो डायरेक्शन है, और बार बार ऐसा लगता है कि फिल्म एक ऐसे इमोशन और एक मैसेज है, सबसे बड़ी बात है इस फिल्म में एक मैसेज है नेत्रदान को लेकर, तो अद्भुत है फिल्म। बहुत अच्छा। किसको श्रेय देना चाहेंगे, डायरेक्टर अवधेश जी या आर्यन या किसी और? देखिए फिल्म एक टीम वर्क है, आप किसी एक को ऐसा क्रेडिट नहीं दे सकते। हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट सोचा होगा निर्देशक ने, तो निर्देशक को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को सोचा जो भोजपुरी में सोचा नहीं जाता है। भोजपुरी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे हम अभी भी उस दौर के सिनेमा में जी रहे हैं जो हीरो ओरिएंटेड सिनेमा होता है, जहाँ एक विलन होता है, जहाँ हीरोइन होती है, जहाँ उस तरीके का सिनेमा होता है। ये जिस सिनेमा की हम बात कर रहे हैं या जो सिनेमा ये है, वो कहानी का सिनेमा है, वो किरदार का सिनेमा है। इसके लिए ऑब्वियसली सबसे पहले मैं निर्माता और निर्देशक के साहस की दाद दूंगा, कैसे फिल्म उठाने का, ऐसी कहानी को उठाने का साहस दिखाया। और नो डाउट अवधेश मिश्रा जी तो अद्भुत अभिनेता है और आर्यन ने भी कमाल काम किया है उस बच्चे ने, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि अभिनय हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि हाँ एक जीवन चल रहा है, एक कहानी चल रही है और हम उस कहानी का एक हिस्सा है, दर्शक है, हम उसको देख रहे हैं। एक युग की शुरुआत हो रही है इस फिल्म से? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है और मुझे लगता है कि सबको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम जो बात करते हैं कि सिनेमा चल नहीं रहा है, हॉल में ऑडियंस नहीं आ रही है हमारी, बहुत सारी शिकायतें हमें, तो ऑडियंस है हमारी, हम परोस नहीं रहे सही से कुछ, हमें गुरूर इस बात का है कि हम तो वही दिखा रहे हैं जो देखना चाहते हैं, तो आपने उनसे पूछा वो क्या देखना चाहते हैं, उनको भी तो टेस्ट बदलने की ज़रूरत है, अलग तरीके के सिनेमा की एक धारा बनाने की ज़रूरत है जो हिंदी में हमेशा से रही है, हमारे से भोजपुरी में कभी नहीं रही, हमारा भोजपुरी सिनेमा एक ही धारा में चलता रहा है। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है और मुझे लगता है काफ़ी निर्माताओं का, निर्देशकों का और अभिनेताओं का हौसला बढ़ेगा। महेश आचार्य, अनीता जी, सब लोगों ने मतलब बहुत कमाल काम किया इसमें। सचिन, क्या कहना चाहोगे? इस फिल्म को देख करके ऐसा महसूस हो रहा था कि मतलब शुरू के जो इंटरवल के पहले जो सिनेमा देखा तो अपने आप को मैं ढूंढ रहा था, दादा पोते का जो हमारा नाम, तो ये बहुत रियलिस्टिक सिनेमा बनाया है इन्होंने। और अवधेश जी का जो परफॉर्मेंस है वो बाबुल में हमने जो लोगों ने देखा है, ऐसी फिल्में आनी चाहिए क्योंकि, और वो बच्चे ने बाप कमाल कर दिया है, बच्चे ने, वो बच्चा मतलब बहुत ही अपने उम्र से 20 साल बड़ा उस लेवल का जो है एक्टर वो है, वो बहुत अच्छा है, कमाल परफॉर्मेंस किया। संजय जी, लॉकडाउन के बाद काफ़ी चीज़ें बदली है, पूरी दुनिया चेंज हो गया है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन आरोप लगते रहते हैं कि असली फिल्में ही बनती है, तो कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहिए, क्या वो लोग फिल्में सही में देखते हैं क्या? नहीं, वो जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो फिल्में मुझे लगता है पिछले कई सालों से नहीं देख रहे हैं, ये एक ऐसा आरोप है जो ट्रांसफ़र होता रहता है, ये सवाल ऐसे ट्रेन में बैठ के घूम रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पर जितने लोग ये शिकायत कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे से ज़्यादा फिल्में भोजपुरी में महीने में कोई नहीं करता है, और हम आइटम सॉन्ग बंद हो गए हमारी फिल्मों से और पारिवारिक फिल्में बन रही हैं, तो ये शिकायतें जो लोग लेकर आते हैं वो फिल्में नहीं देखते हैं। संजय जी, कुछ डायरेक्टरों का कहना है कि फिल्में केवल खेसारी लाल की वजह से चल रही, बाकी लोग की वजह से नहीं, फिल्मों में सभी हीरोज चल रहे हैं, सिर्फ खेसारी जी नहीं है, फिल्म केवल जो है खेसारी लाल ही चला रहे हैं और कोई अभिनेता नहीं, किसी विशेष वर्ग का कहना होगा, एक अकेला चना भार नहीं पड़ता, एक हीरो कैसे इंडस्ट्री चला सकता है। खेसारी जी अपने आप में सक्षम हीरो हैं, बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनकी,
दिनेश जी की भी, पवन जी की, सबकी है, जितने हीरोज काम कर रहे हैं सबकी अपनी है, लेकिन उन वो लोग इस तरह की कहानियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें हीरोइज्म चाहिए होता है। हम बात करते हैं हीरोइज्म की, तो हीरोइज्म तलाशेंगे तो फिर फिल्म नहीं बनेगी, कहानी किरदार पे बात करेंगे तो पिक्चर बनती है, फिर ऐसी फिल्में बनती हैं दादू आई लव यू जैसी। ओके थैंक यू सो मच। हाँ रुक जा रुक जा, कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को आपने देखा, पांच में से कितना स्टार देना चाहेंगे? पांच में से पांच स्टार, ऐसी फिल्में ही भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाएंगी। और इतना मार्मिक फिल्म था कि कई बार आंखों में आंसू आ गए, और जो एक्टिंग है दादा और पोते की कमाल की, ऐसी फिल्में ही जब बनेंगी तभी भोजपुरी का सम्मान बढ़ेगा। क्या कुछ संदेश देती है सिनेमा? पहली बात बहुत खुशी हुई, अभी जैसा भोजपुरी का एक माहौल बना हुआ है, तरह तरह के बिना मतलब की बातें हो रही हैं, विवाद हो रहे हैं, उसमें इस फिल्म को देख के बड़ा हौसला बढ़ा। और बहुत बहुत शुक्रिया इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर का कि इन लोगों ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई है। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर प्रोड्यूसर कमाल का सब कुछ इसमें, म्यूजिक भी कमाल का है, इसके राइटर जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, एक एक सीन को जिस तरह से जान डाल दी गई है इसमें, बहुत 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 ही शानदार फिल्म है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया और बहुत रुलाया फिल्म ने, और भोजपुरी फिल्मों में मैं तो आज तक इतना कभी नहीं रोया हूँ, और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, और भोजपुरी में ऐसी फिल्में और जितनी बनेंगी भोजपुरी इंडस्ट्री उतनी ही आगे बढ़ेगी। तो मैं अवधेश मिश्रा जी और सारे फिल्म के निर्देशक, निर्माता और संगीतकार, जितने लोगों, जो भी लोग फिल्म से जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, और फिल्म बहुत बढ़िया है। थैंक यू। थैंक यू। और कोई है फिर आपने देखा किस तरह का पिक्चर था, और भोजपुरी में पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट देखे आपने, क्या कहते हैं? मैं फिल्म देखकर बिल्कुल भी एक सेकेंड के लिए भी नहीं हिल सका, और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि परिवार का अगर कोई एक बच्चा रास्ता भूल जाए तो पूरा परिवार को भूला नहीं कहते। अगर ये फिल्म आप लोग देखोगे तो बोलोगे कि भोजपुरी क्या है, सिर्फ भोजपुरी को बदनाम है, गलत बोलने से अच्छा फिल्में कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, उसके लिए आपको ये फिल्म दादू आई लव यू देखना पड़ेगा। फेसबुक या सोशल मीडिया पर जाके आप रिव्यू से कोई मतलब नहीं, आप इसको थिएटर में जाके देखिए या जहाँ भी अवेलेबल है, तब आपको पता चलेगा कि फिल्म क्या होती है। रवि जी, आपने पिक्चर देखा है तो कितने स्टार, पहली बार तो कितने स्टार देंगे पिक्चर को? सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव, और आप सबको मेरा नमस्कार है। मुझे लगता है कि जो आज का भोजपुरी जो दौर चल रहा है, जो एक परफेक्ट फिल्में हैं, इससे पहले भी दो तीन फिल्में बनी हैं जो आप मल्टीप्लेक्स में जिसको देख सकते हैं, जैसा आपने कहा इस फिल्म को कितने स्टार दोगे, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को 10 में से 10 स्टार देना चाहिए। जो एक कहानी है एक दादा और एक पोते की, क्योंकि मैं पहले तो जितने भी इसकी टीम है माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया फिल्म देखने में, लेकिन जहाँ से मैंने फिल्म देखी बहुत इमोशनल मुझे लगा, और इस फिल्म में जैसे बच्चे ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है, बेहतरीन काम किया, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। अवधेश सर तो है ही, इज़ ए वेरी टैलेंटेड एक्टर, और बहुत शानदार कहानी है इसकी। इस फिल्म में सिर्फ एक ही तारीफ नहीं की जाएगी, मुझे लगता है कि इस फिल्म में जितने भी टीम है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो म्यूज़िक से लेकर, कास्ट से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर, सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के मेकर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का सब्जेक्ट चुना, इस तरह की फिल्में बनाई, और आई विश कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगे और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। मेरे हिसाब से तो पिक्चर बहुत बढ़िया बनी है, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, खासकर दादा पोते का जोड़ी तो कमाल का है, और सब लोगों ने बहुत बढ़िया है, हम तो 100 में 100 देंगे। तो भोजपुरी की इस तरह का पहली फिल्म बना,
तो आपको क्या लगता है कि दर्शक इसको जैसे आप जैसे दर्शकों को अभी देखे, क्या ये इस तरह का फिल्म थिएटर में पब्लिक को लाने में सफल रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये सब अभी इसकी ही ज़रूरत है। अभी जो भी फिल्में आ रही हैं ये सब्जेक्ट बिल्कुल लीक से अलग हट के है, एक सेंटिमेंट बेस इसमें कहीं से कोई नहीं, आप पूरी फैमिली के साथ सबके साथ एंजॉय कर सकते हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये सारे दर्शक लोग देखेंगे, जो भी अगर देखेगा तो उसका कहीं से कहीं ना कहीं से एक सेंटिमेंट तो जुड़ेगा ही। ये बहुत बढ़िया है, इस तरह की फिल्में बननी ही चाहिए। इस फिल्म में बहुत कुछ एक मतलब ये छोड़ा जो आपको इस तरह का करना चाहिए, इस तरह का आपको आई डोनेशन करना चाहिए, इस तरह का जो मैसेज है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि इस तरह का मैसेज फिल्म अगर भोजपुरी बने तो भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो भी जागरूक हो सके? बिल्कुल बिल्कुल जागरूक हो सकता है, और मैसेज तो जानी ही चाहिए। आज हमारा जो विजुअल मीडिया है, फिल्म के माध्यम से अगर हम कोई मैसेज देते हैं, और ख़ासकर ऐसे ये जो अभी सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल बहुत सही है, ज़रूरी भी है, और ये देना ही चाहिए। तो आप क्या कहेंगे सर, आपने भी देखे? सबसे पहले तो जो इसके राइटर हैं मैं उनको बहुत बहुत दिमाग की तारीफ देना, कि एक नया कॉन्सेप्ट है, और इस समाज के लिए जिन्होंने आई डोनेट करने के लिए, अभी तक तो हमारे ख्याल से जो माने कि ये हिंदी हो चाहे भोजपुरी में, जहाँ तक मैंने देखा ये ऐसा नहीं है, तो ये समाज के लिए बहुत ही है कि आप अभी से आप रजिस्टर कर लो कि ठीक है मरने के बाद जो है आपकी आँखें जो है किसी न किसी के द्वारा ये दुनिया को फिर से देख सकेगी। और फिल्म का बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा है, आदेश भैया ने जो था एक्टिंग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चे ने भी काबिल तारीफ़ किया, इतना छोटा बच्चा को डायरेक्टर जो है उनको बहुत बहुत माने कि ये काबिल तारीफ़ की, एक बच्चे से इतना सुंदर एक्टिंग करवाना बच्चे से टफ है। क्या स्टार्ट होगा आपकी? पाँच से कितना स्टार्ट होगा? क्या सर, पाँच से कितना स्टार्ट हो गया? अभी तो ये समझिए कि 100% नहीं होता है, लेकिन 200% भी रहता है, उससे उससे ऊपर भी जाता है, लेकिन 100% है। बिल्कुल पहुंच पाएंगे, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसी तरह की अच्छी फिल्म लेकर दर्शकों तक पहुंचे। तो इस तरह का जो अभी नया ट्रेंड देखने को मिला इस फिल्म में, तो इस तरह का फिल्म कैसे बनना चाहिए, पहले नहीं बनता था, इसका वजह क्या है, और अब भी बनना शुरू हुआ तो इसका वजह क्या है आपकी नज़रिए से? नहीं, पहले बनती थी, शुरुआती दौर में जो भोजपुरी जब बनती थी, जब नासिर हुसैन साहब या फिर उसके बाद सुजीत कुमार, राकेश पांडे, कुणाल भैया, वहाँ तक फिल्में अच्छी बनती थी, लोग थिएटर में आते थे। मुझे आज भी याद है कि कुणाल भैया की फिल्म देखने के लिए औरतें आती थी, रात भर जागती थी पटना में, और फिर सुबह वो लोग टिकट कटाकर फिल्म देखती थी। फिर बीच में ये दौर ख़त्म हो गया, चूँकि अब उसको कुछ भी बोल सकते हैं, फिल्मों में अश्लीलता हो गई या जो भी हो गया, फैमिली दूर हो गई। लेकिन अब हम लोगों की यही कोशिश है कि फैमिली को फिर थिएटर तक लेकर आए, फैमिली अच्छी फिल्में देखे, बस यही कोशिश है। तो सर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, आपका फिल्म का थ्रू क्या मैसेज देने को कोशिश की आप लोगों ने, और अभी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? मैं बस दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की फिल्में जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो लोग इन मतलब ऐसी फिल्में देखें और हमें प्रोत्साहित करें कि हम ऐसी फिल्में आगे भी बना सकें। इमोशनल फिल्म है, दादा पोते के रिलेशन पे फिल्म है, फिल्म में सब कुछ है, लोगों को आके देखना चाहिए इस फिल्म को। कितना प्रभावित किया सर? 100% ओके, चलिए, भोजपुरी में ऐसी फिल्म बननी चाहिए। थैंक यू फिल्म के बारे में, लेकिन आज आपने पहली बार देखा होगा फिल्म, और उसमें आपका संगीत काफी ये था, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना प्रभावित किया फिल्म ने आपको, और क्या कुछ कहेंगे इस फिल्म को लेकर? सबसे पहले तो आप लोग जो इस मीडिया को कवरेज करने के लिए आए हैं हमारे इवेंट्स को, तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दादू आई लव यू एक मुझे लगता है कि बहुत
बड़ी प्रेरणादायक फिल्म बनेगी जो समाज को बहुत प्रेरणा देगी और हमारे भोजपुरी के लिए एक माइलस्टोन बनेगी। गीत संगीत का जहाँ तक सवाल है तो मैंने इसमें कोशिश की कि लीक से हटके थोड़ा इसमें किया जाए, क्योंकि भोजपुरी को जिस तरह से लोग अश्लीलता की तरफ सब लोग इसको लेके जा रहे हैं कि भोजपुरी को कहते ही लोग अश्लील गाने का कल्पना करने लगते हैं, तो हमने कोशिश किया कि इसको एकदम डिफरेंट टाइप का, माइंड ब्लोइंग टाइप का, इस टाइप का कुछ हम करें, इसमें संगीत बनाए। और काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया, हमारी टीम में मधुसूदन जी हमारे डायरेक्टर जो हैं उन्होंने काफ़ी डेडिकेटेड होकर हमारे साथ काम किया और हमको जो भी चीज़ें इस चीज़ को बड़ा बनाने के लिए चाहिए था सब चीज़ उन्होंने टाइम पर प्रोवाइड करवाया, तो मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। सिंगर का नाम बताइए, कौन-कौन सिंगर है सब इसमें? भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी, बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े गायक हैं इसमें। इतना तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन जो हमारे गाने के सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे लगा तो उसको हम लोगों ने किया। एक इस तरीके का नहीं किया कि एक पैटर्न बना हुआ तो यही गाएगा वही गाएगा, गाने को गाने का जो ग्लोरी सुनाया आपने, होता को किसने गाया था याद है कुछ? अब देश के ऊपर जो लोरी वो मैंने गाया था, और क्योंकि क्या है शूटिंग के लिए मैंने जल्दी जल्दी में गा के भेजा और उनको ये आवाज़ अच्छी लगी, तो मैं फिर से उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनको ये आवाज़ अच्छी लगी, तो मैंने मेरी आवाज़ में ही वो गाना है। भोजपुरी की और फिल्मों का म्यूजिक देते हैं इसमें, क्या कुछ कुछ खास कुछ म्यूजिक डाले हैं क्या? हारमोनिया दस बजाए हैं नहीं इसमें। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि स्टोरी बड़ा इसमें शानदार रहा, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं उनका बहुत बड़ा मतलब दिल से भी उन्होंने बहुत टॉप क्लास का काम किया, पैसे भी उन्होंने ढंग से प्रोवाइड किया, जहां 10 रुपये चाहिए तो वहां पे 15 रुपये उन्होंने दिया, तो सिर्फ पैसे का भी बहुत बड़ा अहम योगदान होता है गाने को बड़ा बनाने के लिए, जो जो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे चाहिए तो उन्होंने सब प्रोवाइड किया, तो सबका इसमें आभार है। मैं पूरा अच्छी फिल्म बना बनी है, अच्छा गाना बना है, तो सभी टीम के मेंबर्स को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। हम टेक्नीशियन लोगों ने भी देखा, इनके भी आंसू निकल आए, हालांकि जल्दी निकलता नहीं है आंसू, मोती बहुत कीमती होता है, लेकिन आपने निकाल दिया, क्या सोचा था लोगों के आंसू निकलेंगे? 100% सोचा, 100% सोचा। जिस दिन ये पहला फ्रेम बना, कहानी मेरे दिमाग में आई, उस दिन से मुझे पता था कि ये होने वाला है और ये हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न थे अवधेश भैया, इन्होंने जो कलाकारी की है कमाल है। वो बच्चा इनके साथ रहा, हमारे साथ 2 महीना हमारे साथ रहा, खाया, उसके पिताजी को दूर कर दिया आर्यन को, यानी उसने जो बाउंडिंग हुई इनके रिलेशन से, ऐसा लगते थे कि दादा पोते, और अनबिलेवल काम कर रहे थे, मतलब कोई चीज़ सोचा नहीं आप नहीं करेंगे, वो हो जाता था। ये था एक कारीगर इसका। ओके, तो दादू आई लव यू आई थिंक सो कि भोजपुरी में माइलस्टोन साबित होगा ऐसा लगता है? 100% लगता है सर, मेरे सिनेमा है तो मुझे तो लग ही रहा है अच्छा होगा। अभी मैं लोगों से पूछ रहा था जो हमारे जानने वाले, कैसा लगा कैसा लगा, तो बोले नहीं अच्छी बनी है, अच्छी फिल्म है। मैं ये चाहूंगा कि अवधेश जी को कैसे आपने कास्ट किया और अवधेश जी सर दादू एक सब्जेक्ट, दादू पोते की कहानी है तो हम समझ गए दादू, इसके अलावा कोई भोजपुरी में आई नहीं। पोता हमारे लिए चूजिंग, हम ढूंढ रहे थे, हमने रखे ऑडिशन कम से कम 100-125 बच्चों के, इसमें 3 लोग बाहर निकाले हमने, 3 लोग 3 बच्चे थे जो अच्छे एक्टर थे, एक मराठी था एक हिंदी था। और क्या होता है हिंदी मराठी लोग कोई भोजपुरी में कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, इम्प्रोवाइजेशन करना है, कुछ आपने कुछ बोला मैंने कुछ बाउंस बैक दिया, वो नहीं कर सकते वो। तो अब हमने सोचा कि भाई, फिर ये लड़के का आया आर्यन का, किसी ने मेरे को प्रोडक्शन वाले ने भैया ने दिया, संजय भैया ने नंबर दिया मेरे को, ये आर्यन बच्चा है अब उनसे बात करी। फिर हमने उनको फ़ोन किया व्हाट्सअप पे, तो मैं बोला चलो, उसके पापा ने बोला चलो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है अब बात करो इनसे, तो वो मुझे केसारी और पवन के डायलॉग सुनाने लगा। तो बोला बेटा ये बात कर, तेरे को जो मैं यहाँ से नरेट, ये सब व्हाट्सअप पे हो रहा है सर, जो मैं नरेट कर रहा हूँ वो बोल, और जो उसने बोला है, मैं बोला तेरी माँ मर गई कैमरे में देख मोबाइल पे, अब रो। उसका 2 मिनट गया इधर उधर और शुरू हो गया, ऐसा लग रहा लाइव हो रहा है, चल तू डांस कर, चल तू मस्ती कर। सर वही हमारे दिमाग में आ गया कि भाई ये आदमी इससे अच्छा काम कर ही नहीं सकता। फिर हमने उसको बॉम्बे बुलाया, 3 दिन उसका ऑडिशन रखा अलग 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 अलग, और रहा और हर काम में पास रहा। फिर बाद सबसे बड़ा बात था कि अवधेश भैया को मिलाना, इनको मिलना और एक्टर को तैयार करना बहुत, फिर वो 2 दिन अपने साथ रखे, फिर हमारा फाइनल हुआ कि हमारा ये हनु बाबा यही है।
तो एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट है मेरे ख्याल से भोजपुरी में, इस तरीके का किसी ने किया नहीं था। बिकॉज इसके पहले तो भोजपुरी मतलब मार धाड़ नाच गाना आइटम सॉन्ग ये वो यही सब था। एक्सपेरिमेंट करते समय धड़कने तेज थी आपकी या क्या? सर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था, मुझे मालूम है जनता जो बॉम्बे की है, जो दिल्ली की है, वो बिहार की है, यूपी की, जो घर में बैठ के टीवी देख रहा है, वो ऐसी फैमिली है जैसे हमारी देसी थिएटर में जो जा रहे हैं, ठीक है वो बेचारे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके रीच में जब इस तरह के सिनेमा जाएगा और खींचेंगे तो प्रोड्यूसर अपने आप बनाएंगे ना सर, वो क्या करें, पैसा किसके लगा रहे हैं? हमने जो अभी बनाया है प्रोजेक्ट, ये टीवी के लिए बनाया ना, हम सिनेमा थिएटर के लिए तो नहीं बना रहे, हमको पता है सिनेमा में एक दिन नहीं चलने वाली, तो टीवी के लिए तो अच्छा है सिनेमा। और जो लोग हमारी तरह जो लोग हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए सिनेमा ये घर में बैठ के देख रहे हैं वो, ये यही सोच के बनाया। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, पैसा आएगा नहीं आएगा जाएगा, अब ये काफिला चल पड़ा है सर, हम बनाएंगे इस तरह का, और बड़े लोगों के साथ भी करेंगे, केसारी के साथ भी करेंगे, पवन के साथ करेंगे, हमको प्रोजेक्ट देंगे तो क्यों नहीं करेंगे सर, हमको चांस दें वो लोग, भाई आओ करो लिखो डायरेक्ट करो। म्यूजिक का कैसे आपको लगा, इस तरह म्यूजिक बनना चाहिए, कैसे अमन जी का आपने चयन किया? सर अमन सर तो ये महान है, बहुत बड़े कलाकार हैं। हमने जब सोचा कि दादू आई लव यू का म्यूजिक पूरी पिक्चर में चलेगा, तो सर रात को 2-2 बजे तक जाके इन्होंने काम किया मेरे लिए। हम कहीं भी आप देखिए उठा के, खाली वो एक आइटम नंबर छोड़ के आप कोई भी सीन उठा के देखिए, आइटम तो है इसमें, वो है ना वो अपने बाबा का टिपिकल टिपिकल नहीं सर, देखिए कैसा है ना, हमने वो चीजें रखी नहीं, आप देखिए पूरा स्क्रीन प्ले चल रहा है पिक्चर में, कहीं भी आपको गाना, और वो गाना जितनी बार आप सुनोगे पिक्चर में उतना मजा आएगा। और सर इन्होंने तो जो किया है वो कमाल है सर। अवधेश जी है, अनीता रावत है, महेश आचार्य है, आर्यन बाबू है, और शिवाजी है, और छोटे छोटे 4-5 लोग हैं इसमें। उसमें डॉक्टर भूमिका में तो उनका क्या नाम है? अरे वो डॉक्टर की भूमिका वो मधुसूदन जी हैं, बड़ा फंबल मारा है उसने। तो यार मेरा शौक था एक्चुअली, मैं करता हूँ, मैं FTI से एक्टर रहा हूँ ना, तो मुझे एक्टिंग का शौक है। अब कोई नहीं मिला डॉक्टर, तो दो डॉक्टर जो थे ओरिजिनल डॉक्टर थे जो पिक्चर के, तो दो डॉक्टर थे ना ओरिजिनल डॉक्टर थे, उसके बाद एक डुप्लीकेट डॉक्टर आया मेरे जैसा, चलो भाई आओ करो। कब तक इस फिल्म को रिलीज करेंगे? अगले महीने सर, अभी क्या हमारा बाहर लगभग 2 आदमी तैयार है, और हमको जो मिल रहा है भगवान करे सबको मिले इस तरह फिल्म बनाने वालों का, और अच्छा पैसा। तो क्या इसके बाद फिल्म पर 100% बाबा, ये उसके बाद अब दुनिया चल पड़ी, अवधेश बाबा हम लोग मिलकर अगली पिक्चर लॉन्च कर रहे हैं, सेम अच्छी सी कहानी, इसके ऊपर की कहानी, लेकिन बाबा हमारे साथ रहे, ये आदमी कलाकार चाहिए। कैसी रही उनकी मेहनत या उनकी एक्टिंग या क्या कुछ क्या उनकी मेहनत, मतलब मधुसूदन जी की मेहनत, मधुसूदन जी ने तो बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है, और वैसे तो अवधेश जी मेरी भी फिल्म कर रहे थे और बार बार हरदम तारीफ करते रहते थे कि मेरे एक दादू आई लव यू देखिए देखिए देखिएगा देखिएगा, तो मैंने उनसे मैंने ही बोला यार मुझे दिखाओगे नहीं, फिर आज ट्रायल रखी और मैंने सब कुछ काम धंधा छोड़ के आया था देखने के लिए क्योंकि इतनी तारीफ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया था उससे बहुत ऊपर की फिल्म है, और प्लस डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मतलब बहुत से कम कैरेक्टर में इस तरह से पब्लिक को बांध के रखना भी एक बहुत बड़ी कला है, और उन्होंने क्योंकि वो डायरेक्टर हैं खुद भी राइटिंग भी उन्होंने ही की है और प्लस एक्टिंग भी की है, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्टिंग भी की है, लेकिन इन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई। सबसे प्लस है उस फिल्म में वो बच्चा, मतलब अवधेश मिश्रा को बोला जाता है कि बहुत कमाल के एक्टर है, क्योंकि मैं भी इतने सालों से 30 साल के करियर में मैं देख रहा हूँ बहुत से एक्टर को देखा, लेकिन उनके जैसा एक्टर मतलब बहुत ही कम मिलते हैं, वैसे बहुत एक्टर हैं लेकिन मिलते हैं, लेकिन उनके लेवल के एक्टर जो डेप्थ है उनमें बहुत कमाल का है, लेकिन उनको टक्कर देने वाला एक छोटा बच्चा, मैं तो देख रहा था मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अरे यार ये बच्चा कहीं कहीं भारी पड़ा है, ओवर एक्टिंग, हाँ ओवर एक्टिंग नहीं, ये दादा और पोता बहुत जगह पे भारी पड़ा है, उनको अभी नहीं एहसास होगा, बाद में पब्लिक जब बोलेगी ना तब उनको मालूम पड़ेगा कि फिल्म में उसने क्या कर दिया है। क्या लगता है आपको कि दादा दादू आई लव यू एक माइलस्टोन होगा भोजपुरी में, टर्निंग पॉइंट है, बिकॉज कि अभी तक लोगों ने अश्लीलता परोसी है, ये परोसा है वो परोसा है, अब इस तरीके की फिल्में आ रही हैं और आने भी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए टर्निंग पॉइंट का एक
भाई एक डायरेक्टर अपने हिसाब से सोचते कि भाई फिल्म अच्छी बनाए, बाकी तो पब्लिक और ये सब के ये ऊपर है। हाँ, ऐसी फिल्में जो बन रही हैं, क्योंकि उनकी अभी एक थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी बाबुल, बाबुल भी मैंने काफ़ी देखी थी, लेकिन बाबुल से बहुत ऊपर है। अब वो खुद भी डायरेक्टर थे, लेकिन जब एक एक्टर डायरेक्टर बनते हैं ना तो कुछ चीज़ों में घुस जाते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं तो बहुत दूसरे तरह के काम किया उन्होंने। तो ये फिल्म, हाँ ये है, स्टारडम से लोग बाग दूर भाग जाएंगे भाई, कैरेक्टर आर्टिस्ट और जिस तरह के एक स्टोरी बनाने वाली फिल्म के स्टोरी लेकर फिल्म बना रहे हैं वैसी फिल्में बननी शुरू हो जाएगी। हाँ, स्टार का दो चार लोगों के चक्कर में कि भाई उसी के लेकर फिल्म बनाओ, लेकिन वो चीज़ों से हट जाएंगे। इससे इस तरह की फिल्में बनेगी तो हमारी जो भोजपुरी के ऊपर दाग लगा हुआ है कि बहुत अश्लील फिल्म बनती है, बहुत अश्लील गाने बनते हैं, तो वो सब हट जाएगा। ऐसी फिल्में बननी चाहिए, और मधुसूदन जी ने जो इस तरह की फिल्में बनाई और अब आगे भी बोल रहे थे कि भी बना रहा हूँ ऐसी ऐसी फिल्में बनेगी तो काफ़ी कुछ। बता रहे थे चेक आ गया है, दूसरा अगली बार। अच्छा, चेक आ गया भाई। अब देखिए, पांच स्टार में से कितने स्टार देना चाहेंगे इस फिल्म को, अगर आपको स्टार देने हो तो? इस फिल्म को, इसको फिल्म के 4.5 दूंगा मैं। और अवधेश मिश्रा जी को 5 स्टार में से कितने देना चाहेंगे? ये 5 स्टार में से इनको इनको 4 दूंगा, 4 दूंगा, 4 देंगे। और आर्यन को, आर्यन बच्चा, हाँ, उसको 5 दूंगा, 5 दूंगा। डायरेक्टर को, डायरेक्टर हुई वो, ये 5, वो बच्चे, बच्चे ने रियली बहुत कमाल का काम किया है, वो पूरी फिल्म को जो, और प्लस क्लाइमेक्स में इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले की भाई मरने का सीन था, लेकिन वो जो नहीं मारा, पूरे क्लाइमेक्स जो ना बच्चे के ऊपर दे दिया है, वो पब्लिक को मतलब हिला देंगे। हीरो है फिल्म का ये। हाँ, वही बेसिकली वही हीरो है। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।